नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनाते हैं। खाने खोजने लगे हैं, उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। साथियों, कांग्रेस जितनी चाल चल ले लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। मोदी गरीब का बेटा है, गरीब का दुख दर्द समझता है। मैं जानता हूं कि गांवों को सड़क से जोड़ने पर गरीब का कितना भला होता है, इसलिए हमने कांग्रेस सरकार से दोगुने पैसे गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए दिए। जब गांव गांव तक सड़क पहुंचेगी तो विकास भी तेजी से पहुंचेगा, रोजगार भी तेजी से पहुंचेगा। भाजपा सरकार आज कांग्रेस सरकार के मुकाबले नेशनल हाईवे पर, रेलवे पर कई गुना ज्यादा खर्च कर रही है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, आना जाना आसान होता है, तो गरीब का जीवन भी तो आसान होता है। आपकी हर मुश्किल को कम करने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है। बीते 9 वर्षों में नक्सलवाद की समस्या से बाहर निकालने के हमारे प्रयासों का नतीजा भी आज देश देख रहा है। कुछ साल पहले तक देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 के आसपास थी, अब इनकी संख्या घटकर 70 के आसपास रह गई है। भाइयों और बहनों, अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस अब झूठी गारंटियों से छिपाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसी झूठी गारंटियों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये भाजपा है जो असली गारंटी देती है, जो वायदा करती है,
उसे पूरा करके भी दिखाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 40 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ है। ये है भाजपा की असली गारंटी। कोरोना के संकट काल में हमने छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को मुफ्त राशन दिया, गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया और आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये भाजपा की असली गारंटी है। पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को 6,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, उनके खाते में जमा हो चुके हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,600 करोड़ रुपए से अधिक यहां के करीब 40 लाख किसानों को मिले हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। साथियों, भाजपा गरीब की चिंता करने वाली पार्टी है, गरीब का कल्याण करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा सरकार दिल्ली से जो योजनाएं यहां शुरू करवाई उसमें भी यहां की कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगा देती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसका उदाहरण है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 12 लाख घर बनाने की तैयारी की थी। जब तक यहां भाजपा सरकार रही तब तक तेजी से गरीबों के घर बने, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई घर बनाने की रफ्तार पर रोक लग गई। जब यहां भाजपा सरकार थी तो उसने हर साल यहां गरीबों के लिए 2 लाख से ज्यादा घर बनवाए। अब कांग्रेस सरकार यहां एक साल में 1 लाख घर भी नहीं बनवा रही है और पैसे दिल्ली से भेजते हैं। आज यहां पीएम आवास योजना के लाखों घर वेटलिस्ट में हैं, इंतजार की सूची में पड़े हैं। आपके पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा है। भाजपा ने यहां गरीबों को पक्की छत के लिए मोर आवास मोर अधिकार का आंदोलन किया है। जहां जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी गरीब को घर देने का काम तेज किया जाएगा। और मैं उन सभी गरीब परिवारों को कहना चाहता हूं, जो लोग जिनका पंजा आपके भाग्य को कुचल रहा है, ये पंजा हटते ही जिन गरीबों के घर नहीं बने हैं ये मोदी गारंटी देता है वो गरीब का घर भी बन जाएगा। साथियों, यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है।
यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। हमने ना सिर्फ धान पर MSP बढ़ाई है बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से आज छत्तीसगढ़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं, 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा। इस साल भी यहां के धान किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये भाजपा ही है जो यहां के किसानों की मेहनत को समझती है, उनके लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है, उनसे झूठ बोल रही है। साथियों, कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा साधन और सुविधाओं से वंचित रखा है। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समाज के अनेक समुदाय अपने अधिकारों से वंचित थे। भाजपा सरकार ने ही उन्हें जनजातियों की सूची में शामिल कर उनका अधिकार दिलवाया है। ये भाजपा सरकार है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी बच्चों के लिए सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी किसानों के लिए हजारों वंदर केंद्र खोले हैं। साथियों, ऐसे जिले जहां जाना मुश्किल है उन्हें दुर्गम बताकर, पिछड़ा बताकर कांग्रेस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। यहां छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कितने ही जिले हैं। भाजपा सरकार ने ऐसे जिलों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। हमने इन्हें आकांक्षी जिला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। आज इन जिलों में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, सभी आकांक्षी जिले विकास के पैरामीटर्स में अच्छा काम कर सके, इसके लिए भारत सरकार भरपूर मदद कर रही है। भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले ही सिकल सेल एनीमिया को लेकर एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत देश को सिकल सेल बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बीमारी सबसे अधिक हमारे जनजातीय समुदाय को प्रभावित करती रही है, लेकिन कांग्रेस को कभी आदिवासी समाज की समस्या की याद नहीं आई। अब जाकर इसमें आदिवासी समाज को मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हुई है। अब सिकल सेल एनीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। हम देश भर में इसकी स्क्रीनिंग की सुविधा बढ़ा रहे हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी से फैलने से रोका जा सके। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासी सेनानियों का भी हमेशा अपमान किया, उपेक्षा की। भाजपा सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। हम दूसरे आदिवासी सेनानियों के नाम
देश भर में स्मारक बनवा रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य को नमन करते हुए अनेक महत्वपूर्ण स्थानों को उनका नाम दिया गया है। भाजपा सरकार इस साल 5 अक्टूबर से एक साल पूरा रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर बहुत बड़ा आयोजन भी करने जा रही है। ऐसे सेवा कार्यों के कारण ही आज भाजपा आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की पहली पसंद है। ऐसे काम के कारण ही आज छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। जनता ठान चुकी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बदलवो, ये दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलवो। एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरे जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलबो, ए दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। यह आह्वान के साथ भारत माँ के रतन बेटा माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद मैं स्थानीय सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी से आग्रह करता हूं कि सभी का आभार प्रदर्शन करें। सभी दोनों हाथ उठाकर बोले। तो आपने देखा कि एक दिवसीय रायपुर दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे और आपको बता दें कि वहां सीएम बघेल ने उनका स्वागत भी किया और विजय संकल्प महारैली में को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर कांग्रेस पर कटाक्ष भी कसा और साथ ही आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी साझा की। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे रायपुर, वहीं आपको बता दें कि रायपुर जा रहे थे जहां पर वहीं विश्रामपुर के वहीं शिव नारायणपुर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं से आपको बता दें कि भरी बस बिलासपुर के पास रतनपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और घटना सुबह 4:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। और खबरों के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार में सड़क किनारे जा रही थी जो कि ट्रेलर ट्रक से टकरा गई और हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे सड़क हादसे में मृत लोगों के परिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है और साथ ही घायलों को अच्छे इलाज के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में एक विशाल रैली कर रहे हैं और जिसमें शामिल होने के लिए तमाम कार्यकर्ता आ रहे थे लेकिन रास्ते में उनके बस का एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मृतकों को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायलों को मिलेगा अच्छा इलाज।
खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, जो कि राज्यपाल से मिले टीएस सिंहदेव, राजभवन में उनकी मुलाकात हुई और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहली मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि खबर रायपुर से है, जहां साथ ही आपको बता दें कि राजभवन में उनके मुलाकात हुई है, जिसमें आपको बता दें कि खबर रायपुर से, जहां राज्यपाल से मिले टीएस सिंहदेव और राजभवन में मुलाकात हुई और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यह मुलाकात हुई है। बस्तर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र चंदामेटा में पहली बार स्वयं के भवन में प्राथमिक शाला संचालित की जा रही है और प्राथमिक शाला भवन का उद्घाटन स्कूली बच्चों और गांव के सरपंच के हाथों किया गया। इस उद्घाटन के अवसर पर कलेक्टर विजय दयाराम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा उपस्थित थे। कलेक्टर विजय ने इस अवसर पर कहा कि गांव में शिक्षा का मंदिर का शुभारंभ हो गया है और इस स्थल से यहां के बच्चे अपना भविष्य को गढ़ने का काम करेंगे और शिक्षा का एक माध्यम है जिससे कि जीवन को एक दिशा दी जा सकती है और नई पीढ़ी को रास्ता दिखाने में शिक्षा की अहम भूमिका है, इसलिए गांव वाले प्रतिदिन बच्चों को स्कूल पढ़ाई करने के लिए भेजे। खबर बेमित्रा के वही पड़की डी गांव से है, जहां पर एसडीएम सुरुचि सिंह प्राथमिक स्कूल निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान स्कूल में छात्रों को दी जाने वाली मिड डे मील की गुणवत्ता जांची गई और जिसमें गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। वहीं छात्राओं से बर्तन साफ करवाए जा रहे थे और एसडीएम ने टीचर्स को बच्चों को अच्छा वातावरण देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षकों को निर्धारित समय पर स्कूल आने के लिए भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा रसोई घर और खासकर शौचालय की साफ सफाई का ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया है। प्राथमिक शाला परकीडी में औचक निरीक्षण के दौरान किचन में बहुत अच्छी साफ सफाई नहीं पाई गई थी और आटा जो जिससे पूरी बनी थी वो एक्सपायर्ड मिला था, तो इसमें वो प्रधान पाठक को नोटिस जाएगा और इसको ठीक करने के लिए समझाइश दी गई है और अच्छे से साफ सफाई करने के लिए भी समझाइश दी गई है। खबर बीजापुर से है, जहां बाघ के खाल के मामले में वही आईटीआर उपनिदेशक गणवीर धर्मशील ने प्रेस वार्ता की और बता दें कि इस मामले में 7 से वही बढ़कर अब 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और वही अन्य 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। साथ ही सीआरपीएफ के 222 बटालियन नेमिड में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अमित शाह के वही खरीदी डील में शामिल होने की पुष्टि हो गई है और वहीं डीएफओ ने कहा है कि बाघ के हड्डियों को इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जब्त कर लिया गया है। पहला एक जगह ने 20 तारीख को जो है यहाँ पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व के मंदिर एरिया से रुद्रारम गांव से हमने बाघ की खाल को बरामद किया और उसमें कुल जो है अभी तक 13 आरोपियों को हमने पकड़ा है। बाघ की जो शिकार हुई है वो बीजापुर जिले के जो है बफर मंडल में हमने कांदरा गांव के वहाँ पे हमने भी शिकारियों को जो भी इसमें संलिप्त थे जो आरोपी है उनको हमने 13 आरोपियों को हमने जेल में जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और भी इसमें जांच जो है चल रही है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।